गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग और आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 9:34, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं देवप्रयाग का नज़ारा। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं। तो गाइस, जो पहले वाला चैनल है उत्तराखंड RS ब्लॉगर नाम से है, जो मैं अब नया चैनल में वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी अपलोड हो चुकी है और मिक्स हो रखी है सारी, और इसको मैं सिर्फ ब्लॉग का ही चैनल बनाऊंगा। ये फर्स्ट ब्लॉग है न्यू चैनल पे। तो गाइस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर। तो गैस में बैठ चुका हूँ गाड़ी में, तो चलो चलते हैं। गाइस, अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है और अभी कोई आ रहा है शायद। अभी बज रहे हैं 9:56 और अभी आप देखिए धूप कैसी लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे 11-12 बज चुके हैं। ये देखिए, ये गांव की धूप है, पहाड़ों की कुछ नहीं दिख रहा है। पहाड़ों में सब धुंधला हो रखा है। तो ये हमारे यहाँ की रोड, चलो चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ देवप्रयाग और वो रही हमारी गाड़ी पीछे। चलो चलते हैं। मैं आ चुका हूँ नाई की दुकान पे और अभी मैंने करवानी है सेविंग। चलो ये देखिए मेरे पीछे, चलते हैं अंदर। मैं जा रहा हूँ संगम, दिखाता हूँ आपको। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ पुल में और पुल के नीचे है भागीरथी, ये देखिए। सो गाइस, ये है संगम, यहाँ से देखो। ये बंदर, चलिए चलते हैं संगम, दिखाते हैं आपको। ये रघुनाथ जी का मंदिर। Sai Ram, Sai Ram।
सो गाइस ये है अलकनंदा, ये देखें, और ये है भागीरथी, और ये यहाँ पे संगम है। गम से होके भाई ये चली जाती है हरिद्वार ऋषिकेश, ये वाली नदी जाती है। चलो आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी है, देखें यहाँ पे बहुत डोली लेके आई हैं, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं। रामचंद्र जी जब रावण को मारने के लिए लंका पे गए तो वहाँ पे जो है रावण का जब वध किया, उसके बाद में रामचंद्र जी यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने अपने पितरों को पिंडदान जलदान किया। यहाँ इस शिला में खड़े होकर के ये मुख गंगा कहलाती है, ये भागीरथी है, वैसे गंगा है पर राजा भागीरथ इसको लाए थे, तो इसका नाम जो है भागीरथी हुआ। ये मुख्य गंगा भी कहलाती है, इनमें पितरों का जो भी कार्य करना होता है इसी गंगा में किया जाता है। तो राम जो है रामचंद्र जी जब लंका पे गए, रावण का वध किया, उसके बाद में रामचंद्र जी जब वापस लौटे तो उन्होंने उनको जो है ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो उनका निवारण करने के लिए, उनको पश्चाताप करने के लिए रामचंद्र जी की शिला पे खड़े होकर के उन्होंने अपने पितरों का जलदान किया। बाद में रामचंद्र जी ऊपर जाकर के उन्होंने तपस्या किया, वहाँ पे जीव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण जो है भगवान की आराधना कर रहा था, तो भगवान ने स्वयं प्रकट होके और उनको वरदान दिया कि जो है आज से देव तो आपका नाम है और अलकनंदा और भागीरथी गुप्त सरस्वती का जहाँ पे ये संगम है प्रयाग है, तो इसका इस जगह का नाम देवप्रयाग हो जाए। रामचंद्र जी की बड़े 5 फुट की शादी राम पत्थर की मूर्ति निकली, ऐसी मूर्ति उत्तरी भारत में कहीं नहीं है जैसे जहाँ यहाँ पे जो है राम मंदिर है। और ये कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पे कुंभ का मातम है, जो कुंभ हरिद्वार में लगता है वो देवप्रयाग का ही कुंभ है। यहाँ पे जगह ना होने के कारण से वो हरिद्वार में गया। यहाँ पे जो है पिंडदान का भी मातम है, पिंडदान का मातम 3 जगह पे है। सबसे पहले गया जी ने भगवान के पैर है, ये नाभि, यहाँ पे ये नाभि क्षेत्र है, और सर बद्रीनाथ में, इन 3 जगह पे पिंडदान होता है। पिंडदान और किसी भी जगह पे नहीं होता है, अन्य जगह पे जो है जलदान किया जाता है। किसी भी नगर में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, गंगा किनारे जाओ, नदी किनारे जाओ, अपने पितरों का जो है जलदान किया जाता है, पिंडदान कहीं नहीं। पिंडदान सिर्फ 3 जगह होते हैं, दया जी ने, देवप्रयाग में और बद्रीनाथ में। मेरा नाम गोपी कृष्ण, मैं बद्रीनाथ धाम का पता जी हूँ। अभी दिखाया वो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, वो ये ढोल दमो होता है जो, और ये लोग आ रखे थे काफ़ी दूर से, मैंने उनसे पूछा, वो आ रखे थे गोपेश्वर ब्लॉक से। तो गाइस बहुत मान्यता है इस संगम की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा किसी और ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर आपका मन हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो गाइस अब चलते हैं, यहाँ की गाड़ी आ चुकी है, वो जल्दी चला जाएगा मुझे छोड़ के, फिर पैदल जाना पड़ेगा मुझे, हमें से पैदल चला नहीं जाता इसलिए। तब तक के लिए ठीक किया, बाय बाय। गाड़ी तो निकल चुकी है, तो अभी पैदल जा रहा हूँ, ये देखें।
सो गाइस मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। सो गाइस वो है जो बद्रीनाथ वाले हाईवे है। सो चलो गाइस चलते हैं, काफ़ी ऊपर जाना है अभी तो, मैं तो यहीं पे थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ रोड में और वहाँ से आया मैं वहाँ न्यू नीचे से आती है कि नहीं गाड़ी, यहाँ से नीचे से आएगी गाड़ी और ऊपर जाएगी, तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, तो तय करते हैं गाड़ी का वेट। गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दुकान में, ये देखें यह है हमारे गांव का नाम। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ दुकान में और अभी चल रहे हैं घर के लिए, तो चलो चलते हैं। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।